पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट। आर्थिक संपन्नता के लिए कम और हाई क्राइम रेट के लिए ज्यादा जानी जाती और इस क्षेत्र के मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर जैसे शहरों का नाम जबान पर आते ही जुर्म की दुनिया की वो खबरें निगाहों के सामने चलने लगती हैं जो आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनकर उभरती हैं। और इसी क्राइम बेल्ट के सीने को चीरती हुई निकलती है अपर गंगा कैनाल। जुर्म की दुनिया में एविडेंस या सबूत की बहुत अहमियत होती है। कई मर्तबा अपराधी सबूत मिटाने में कामयाब हो जाता है और तफ्तीश की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जहां ये 6,190 किलोमीटर लंबी नहर और उसकी शाखाएं यूपी के लाखों हेक्टेयर खेतों के लिए संजीवनी का काम करती है, वहीं पापियों के दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को धोने में भी एक अहम रोल अदा करती है। गन्ना बेल्ट में मर्डर एक आम बात है, वजह कोई भी हो सकती है। गांव की राजनीतिक रंजिश में किसी ओपोनेंट को रास्ते से हटाना हो या जातिवाद की वेदी पर प्रेमी युगल की बलि देनी हो और या फिर जमीन जायदाद के मसले ही क्यों ना निपटाने हो, नहर से बेहतर हथियार कोई और हो नहीं सकता। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा एनालाइज किया जाए तो 2021 में पूरे देश में हत्या के कुल 29,272 मुकदमे दर्ज हुए। यूपी टॉप में था, यानी 3,717 केस। और अगर और गहराई में जाइएगा तो 8 जोन्स में मेरठ जोन हमेशा से हत्याओं में अव्वल रहा है। और ये आंकड़ा तो वो है जिसमें लाश बरामद हो गई, उनका क्या जो कभी मिले ही नहीं। आप खुद ही सोचिए, 16 फीट की गहराई और लगातार तेज बहाव से बहता हुआ हजारों क्यूसेक पानी, अगर आप अच्छे तैराक नहीं हैं तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जान निकलने में, और फिर 3-4 रोज तक तो बॉडी बाहर नहीं निकलती। और जब ऊपर आती है तो पानी उस लाश को 30 से 40 किलोमीटर आगे पहुंचा चुका होता है। अपर गंगा कैनाल यूपी के 5 जिलों के तकरीबन 10 कस्बों और हजारों गांवों से होकर गुजरती है और मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर से होती है अलीगढ़ पहुंचती है, जहां से ये दो शाखाओं में बंट जाती है, कानपुर और इटावा ब्रांच। अब पीछे से बहकर आती हुई लाश का जिम्मा कोई पुलिस थाना भला क्यों सर ले। सुना तो ये भी है कि कुछ लोगों की रोजी रोटी तो सिर्फ नहर के किनारे में फंसी हुई लाशों को आगे सरकाने में ही चलती है। अब एक तरफ तो क्राइम बेल्ट और दूसरी तरफ मर्डर के बाद सबूत ठिकाने लगाने का एक असरदार और कामयाब तरीका। अपराधी तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं। अति तो जब हुई जब यूपी की प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी यानी पीएसी ने 22 मई 1987 को इस नहर का इस्तेमाल एक खौफनाक नरसंहार के लिए किया। ये वक्त था जब मेरठ जिले में दंगे भड़के हुए थे और हाशिमपुरा के 42 लोगों को ट्रक में डालकर जबरदस्ती एक पीएसी की टुकड़ी गाजियाबाद के मुरादनगर ले आई और उनको गोली मारकर इसी नहर में फेंक दिया गया था। अब जनाब एकाद मर्डर तो समझ में आता है, मगर 42 लोग, इतना बड़ा गुनाह छुप नहीं सकता था। सिस्टम ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बरी कराने में, मगर 31 साल अदालतों में जरहबाजी के बाद आखिरकार 16 जवानों को उम्र कैद की सजा हुई। अब रक्षकों के भक्षक बनने का यह अकेला उदाहरण नहीं। 2018 में गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर ने उस वक्त के जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखा कि मुरादनगर में नहर के गोताखोर डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं को
पानी के अंदर खींच लेते हैं और ना सिर्फ उनके जिस्म से कीमती जेवर उतारते हैं बल्कि उनके घर वालों से 30,000 से 40,000 रुपया लेकर लाश भी ढूंढ कर निकाल देते हैं। जांच हुई मगर इस गुनाह में कुछ साबित करना इतना आसान नहीं। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सनसनीखेज अपराधों का लिंक इस नहर से जुड़ा हुआ जरूर है। इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे।